नमस्कार दोस्तों, अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं और बीच पे स्टक हो जाता है या स्टॉप हो जाता है अपलोड प्रोसेस, तो उसे कैंसिल करके एक और बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे अगर आपको मिल रहा है इशू प्रोसेसिंग इज अबैंडन, अपलोडिंग वीडियो इज फेल्ड, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो विदाउट डिले। बिफोर दैट, डू सब्सक्राइब चैनल एंड वॉच टिल द एंड। Let's start the video. दोस्तों, यहाँ पर दो कॉन्टेस्ट है। पहला है आपका जो वीडियो कम्प्लीटली अपलोड होने से पहले अगर दिखाता है इश्यू प्रोसेसिंग अबैंडन्ड, और दूसरा है आपका जो वीडियो कम्प्लीटली अपलोड हो गया और प्रोसेस कर रहा था और उसके बीच पे दिखाता है ये जो इश्यू प्रोसेसिंग अबैंडन्ड। ये दोनों कॉन्टेस्ट हम देखेंगे। पहले वाले कॉन्टेस्ट पे आप देखिए, आप अपलोड कर रहे थे अपना वीडियो और बीच में अचानक स्टॉप हो जाता है किसी भी कारण से, नेट स्लो हो या आपका जो वाईफाई स्टॉप हो गया, किसी भी कारण से अगर अपलोड जो प्रोसेस स्टॉप हो गया है, आपको ये जो अपलोड कैंसिल करके दोबारा एक नया अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना है अभी का जो टैब है एक और नया टैब ओपन करे और अपना अकाउंट का यूट्यूब स्टूडियो खोले। यहाँ पर क्रिएट बटन प्रेस करके आप सेम वीडियो अपलोड करें फ्रॉम द सेम लोकेशन। और ध्यान पे रखें, पहला जो टैब था उसे क्लोज मत करें। ऐसे करने से जो अपलोड प्रोसेस था वो रिज्यूम हो जाएगा, जहां तक अपलोड किया था उसका पेंडिंग अपलोड होने लगेगा। अपलोड प्रोसेस रिज्यूम होने की कंडीशन सिर्फ एक ही है, आपको जो पहला अपलोड टैब था उसे क्लोज न करें, उसके करीब एक और टैब ओपन करके आप सेम वीडियो अपलोड करें फ्रॉम द सेम लोकेशन। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव पहला टाइप पर अभी तक जो अपलोड प्रोसेस पॉज हो गया है, स्टॉप हो गया है अप टू 13%। और दूसरा टाइप पर आप देखिए ये बढ़ता जा रहा है, रिज्यूम हो गया है अपलोड प्रोसेस। सेकंड टाइप पर जितना भी प्रोग्रेस हो वो पहला टाइप पर अफेक्ट नहीं होगा, पहला टाइप पर अभी भी 13% तक ही है। सिर्फ आप सेकंड टाइप पर देख सकते हैं उसका प्रोग्रेस। इसका एडवांटेज है कि जो पहला टैब पर अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग एंटर करके रखा था वो सब जो सेकंड टैब है वहां पर भी आ जाएगा। आपको एक और बार एंटर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, कुछ भी आपने पहले टैब पर डाला था वो सब यहां पर आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपका जो अपलोड प्रोसेस बीच पे रुक जाता है तो उसे रिज्यूम करना भी पॉसिबल है यूजिंग न्यू यूट्यूब स्टूडियो। ये बात था बिफोर कम्प्लीटली अपलोडिंग द वीडियो। अगर आपका जो वीडियो कम्प्लीटली अपलोड होने के बाद प्रोसेसिंग पे जाता है और वहां पर आपको ये इश्यू मिलता है प्रोसेसिंग अबैंडन्ड, वीडियो फेल टू अपलोड, तो वहां पर क्या करना चाहिए आपको? ये इश्यू आपको मिलेगा अगर आप क्लोज करते हैं जो पहला टैब था, अपलोड स्टॉप हो गया जो टैब था वो क्लोज करते हैं, और आपने जारी रखा सेकंड टैब पर जो अपलोड प्रोसेस, इस कॉन्टेस्ट पर आपको मिलेगा प्रोसेसिंग अबैंडन्ड, वीडियो फेल टू अपलोड। यहाँ पर भी आप देखिए, अगर आपका वीडियो कम्प्लीटली अपलोडेड है तो आपको कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। आपका वीडियो अपलोडेड हो गया है, यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसे प्रोसेस करेगा। हाँ, यूट्यूब का जो नया स्टूडियो है वहां पर दिखाता है प्रोसेसिंग अबैंडन्ड, वीडियो फेल टू अपलोड, मगर आप टाइम दीजिए, कुछ ही पल के अंदर आपको SD वर्जन मिलेगा। उसके बाद टाइम लेगा HD वर्जन के लिए, उसके बाद 4K वर्जन के लिए भी टाइम लगेगा। नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम होता है वही लेगा, मगर यहाँ पर YouTube स्टूडियो पर दिखाता है प्रोसेसिंग अबैंडन्ड, उसका फिक्र ना करें आप। द प्रोसेसिंग पार्ट है वो YouTube करता है, आपको जो फाइनल वीडियो है वो रेंडर भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप पब्लिश नहीं किया तो आप YouTube स्टूडियो पर जाइए और वीडियो सेलेक्ट करें, और ऊपर देख सकते हैं एडिट, एडिट क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना चाहिए विजिबिलिटी। यहाँ पर आप सेट करें पब्लिक और उसके बाद क्लिक करें अपडेट वीडियो। ये जो बटन क्लिक किया तो आपने जो अपलोड किया था वीडियो वो पब्लिश हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि वीडियो कम्प्लीटली अपलोड हो गया है और प्रोसेसिंग पे है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव करें इन बिटवीन, जैसे कि टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, टैग्स हो, ऐसे बदलाव करना चाहते हैं तो पहला स्टेप है आपका जो मेन चैनल है उस पर लॉग इन करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वीडियो, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करके आप देख सकते हैं एक आइकन है एडिट वीडियो, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे यूट्यूब स्टूडियो का डिटेल्स एडिट करने का सेक्शन पर। यहाँ पर आप अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, एडवांस सेटिंग्स, मोनेटाइजेशन हो, अपना वीडियो एडिट करना चाहते हो, सब कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे यूज कर सकते हैं। इन बिटवीन आप YouTube को भी रिपोर्ट करें, ऐसा एक इश्यू है, फीडबैक दे उसे। तो दोस्तों, ये था दो कॉन्टेस्ट बिफोर कम्प्लीटली अपलोडिंग द वीडियो एंड आफ्टर कम्प्लीटली अपलोडिंग द वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो हम देखा अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं और बीच पे स्टॉप हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।